नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैट्रिक इंटर प्रोत्साहन योजना को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अपडेट क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। मान लीजिए आप मैट्रिक पास किए हैं 2022 में, तो आपको 10,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा, जो कि मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत मिलेगा। एक और स्कॉलरशिप योजना चलती है, जो भी बच्चे इंटरमीडिएट में पास आउट हैं, चाहे वो किसी भी डिवीजन से हो, फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो, अगर आवेदन करती है तो उनको जो है कि 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो इन दोनों को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि काफ़ी सारे बच्चे बच्चे जो फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, तो उनका फॉर्म कई कारणों से रिजेक्ट हो गया है, जैसे नाम मिसमैच, नंबर मिसमैच, अकाउंट डज नॉट एग्जिट, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उनको उनके लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक जारी कर दिया गया है। तो हम जानेंगे कि किस प्रकार लिस्ट चेक करेंगे, अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा मेघासॉफ्ट के पोर्टल पे, तब जाकर आपको पैसा आएगा। दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है mega.bih.nic.in। इस वाले साइट पर आने के बाद से आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, हालांकि इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद से दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दो योजना दिखाई देगा। पहला योजना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना 2022 के लिए। तो दोस्तों ये 10वीं के लिए है, उसके नीचे जस्ट दिया हुआ है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालक बालिका माध्यमिक प्लस टू प्रोत्साहन योजना 2022 के बारे में। तो चलिए दोस्तों पहले हम यही जान लेते हैं मुख्यमंत्री बालिका माध्यमिक प्लस टू प्रोत्साहन योजना के बारे में। इस पे क्लिक करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों जो है कि थोड़ा सा ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के मिलेगा। आप जैसे स्क्रॉल डाउन इसको नीचे की तरफ करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक का ऑप्शन मिलेगा, नीचे दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया गया है स्टूडेंट लिस्ट फॉर पेंडिंग री रजिस्ट्रेशन रिजेक्टेड स्टूडेंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जिन लोगों का रिजेक्ट हुआ है डाटा, स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरे हुए थे, उनका लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी जिला है, जिला लेने के बाद से दोस्तों आपका जो भी कॉलेज होगा, आप जिस भी कॉलेज से पास आउट किए होंगे वो यहाँ पे ले लेंगे। लेने के बाद से यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सर्च वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका डाटा पूरा खुल के आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ लास्ट में देख सकते हैं दोस्तों, दिया है रिजेक्टेड रीजन, किस कारण से आपका आवेदन रिजेक्ट हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए टोटल इनका एक फर्स्ट नंबर पर जिनका नाम है वहाँ पे देखिए उनका क्या दे रहा है, टोटल मार्क्स आर मिसमैच। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, दोस्तों इसका